अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 100 डेज है आपकी लाइफ जीने के लिए, तो ये आप 100 डेज में क्या क्या करोगे? हेलो दोस्तों, आज हम द रिव्यू लैब में हॉटस्टार स्पेशल 100 वेब सीरीज का रिव्यू देखेंगे। ट्रेलर में देखा होगा कि रिंकू राजगुरु, जिन्होंने नेत्रा पाटिल का रोल प्ले किया है, उनको कैंसर है। नेत्रा के पास सिर्फ 100 डेज है उसकी लाइफ जीने के लिए, और वो ये 100 डेज को एक्साइटमेंट के साथ जीना चाहती है। उसको अपनी मम्मी की तरह कुछ किए बिना मरना पसंद नहीं है। उसका सिर्फ एक ड्रीम है, स्विट्जरलैंड जाना। नेत्रा के लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है जब उसके लाइफ में एसीपी सौम्या शुक्ला की एंट्री होती है, जिनका रोल लारा दत्ता ने प्ले किया है। ये दो अलग कैरेक्टर्स की कहानी है। एक अपनी लाइफ 100 डेज में एक्साइटिंग के साथ जीना चाहती है, और दूसरी ओर सौम्या शुक्ला, जिसको बड़े केस सॉल्व करने हैं, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की आइटम गर्ल बन के रहना नहीं चाहती। एक्टिंग की बात करें तो मेरे लिए लारा दत्ता की एक्टिंग सरप्राइजिंग थी। मतलब अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग होगी लारा दत्ता की। और हमारी सैरा डिक्विन की तो बात ही क्या करें, अपनी एक्टिंग, स्वैग और इनोसेंट एक्सप्रेशन से आपका दिल फिर से जीत लेगी। अब बात करते हैं डायलॉग्स और स्टोरी की। तो स्टोरी अच्छी है, लेकिन डायलॉग्स में राइटर्स का हाथ थोड़ा कमजोर पड़ गया। पंच लाइन थोड़ी ज्यादा होती तो और ज्यादा मजा आता। हॉटस्टार स्पेशल 100 सीरीज को 5 out of 4 दूंगा, क्योंकि डायलॉग्स और बेहतर हो सकते थे। ये सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। टोटल 8 एपिसोड की ये सीरीज है, 5 आवर्स में ये खत्म हो जाएगी। अगर रिंकू राजगुरु मेरी तरह आपकी भी फेवरेट है तो ये सीरीज जरूर देखना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।